हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग? और आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है गाइस। और गाइस, इस बार हम बात करेंगे कुछ कंटेंट्स के बारे में जो कि आपके सामने की स्क्रीन पे आपको दिख ही रहे होंगे। तो गाइस, मेरा सबसे पहला कंटेंट है फाइनली न्यू एपिसोड ऑफ पोकेमोन। उसके बाद मैं बात करूँगा गाइस मार्वल के रीब्रांड, डिज्नी एक्सडी के रीब्रांड होने की एज मार्वल एचक्यू कब होगा, और डिजीमोन क्या डिज्नी एक्सडी पे आएगा, और बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन का आना क्या शुरू हो गया। तो गाइस, इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे आप पोकेमोन के बारे में। तो अब बात करते हैं पोकेमोन, क्या पोकेमोन का नया सीज़न रीब्रांड से लेना देना है? तो गाइस, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और दूसरी चीज़ गाइस जो कि मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, 11, 12, 13 की डबिंग हो चुकी है और वो 1-9 जैसी ही रहेगी, 10 जैसी आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। पर अब सवाल जो आखिरी आप सबके मन में उठ रहा होगा कि कब हमें ये एपिसोड देखने को मिलेंगे, तो गाइस इसका सीधा सा जवाब है आपको नेक्स्ट वीक के मंडे से अब इसको देखने को मिल जाएंगे गाइस। और इस बात की मैं आपको श्योरिटी भी देना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे पोकेमोन डायमंड एंड पर्ल बैटल डायमेंशन के न्यू एपिसोड। और गाइस, इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और गाइस, अब जैसा कि अब आप जानते हैं कि क्या पोकेमोन जब रीब्रांड डिज्नी एक्सडी हो जाएगा मार्वल एचक्यू में, तो क्या आना बंद हो जाएंगे? तो गाइस, ये सवाल आप जरा के मन में, आप लोगों के मन में उठ रहा होगा, पर इसका सीधा सा है कि गाइस कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सेम मार्वल एचक्यू आपको दिखाएगा पोकेमोन एनिमीज, सारे एनिमीज दिखाएगा गाइस आपको। तो अब बात कर लेते हैं रीब्रांडिंग कब होने वाली है। तो गाइस, जो डिज्नी एक्सडी वो रीब्रांड होने वाला है मार्वल एचक्यू में बस 20 जनवरी को गाइस, और टाइमिंग होगी 11 बजे तक। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो गाइस आप देखिए, अपनी टीवी ऑन करिए, डिज्नी एक्सडी चैनल को दबाइए और आपको टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड दिखेगा कि यस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब गाइस बात कर लेते हैं कि मार्वल एचक्यू अभी क्यों रीब्रांड हो रहा है जबकि अभी बच्चों के पेपर हो रहे हैं। तो गाइस, इसका मार्वल एचक्यू ने जवाब दिया कि उसका पेपर चलने से अभी कोई वास्ता तो नहीं है, पर इसका सिंपल सा ये आंसर है कि अभी उसको समर वेकेशन में काफ़ी सारे नए चीज़ों को लॉन्च करना था। उनमें से एक आपका डिजीमोन भी है, नरूटो को भी वो लॉन्च कर सकते हैं गाइस। इसके ऊपर को ऑफिशियली नहीं है, पर डिजीमोन के बारे में उन्होंने बात की थी। और गाइस, अब दूसरी बात कि रीब्रांड करने से क्या मार्वल एचक्यू पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर बच्चे फ़ोन देखते हैं। तो मार्वल एचक्यू ने कहा नहीं, टीवी अपनी जगह है और हम ऐसे शोज को इंट्रोड्यूस करेंगे कि लोग फ़ोन नहीं देखना पसंद करेंगे, वो ज़रूर देखेंगे मार्वल एचक्यू को ही, वो मार्वल के। और अब बात की जाए गाइज कि क्या कितने कंटेंट आएंगे, तो गाइज इसका जवाब है कि 40% मार्वल के आएंगे और बाकी के बचे 60% एनिमीज के कंटेंट आएंगे गाइज। दूसरी बात ये, क्या समर वेकेशन तक क्या डिगीमोन और नरूटो और बाकी ब्लैक पैंथर जैसे हमें जो शोज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगे? तो गाइज, इसमें उन्होंने अभी तो कह दिया है कि यस वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी वो खुद श्योर भी नहीं है गाइज। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि जो भी यहाँ पे अब बात होने जा रही है वो काफ़ी सीरियस है गाइस, कि क्या अब ये चलता रहेगा सही सेम चीज़ गाइस। तो मार्वल एचक्यू वालों ने कहा कि अभी जो जितने भी एनिमी आते हैं वो 1-2 साल बस चलेंगे, उसके बाद जो मार्वल एचक्यू है वो फुल्ली मार्वल का हो जाएगा। मतलब अब मार्वल एचक्यू में जितने भी शोज़ दिखाए जाएंगे वो मार्वल के हो जाएंगे। पर गाइस, अभी इसमें कोई चेंज होना है नहीं, मतलब अभी जो है वो रहेगा, एनिमीज़ आएंगे और ये कम से कम 1-2 साल तक चलेगा, पर उसके बाद ये पूरा मार्वल का हो जाएगा। अब बात आती है कि उन कार्टून्स, उन एनिमीज़ का क्या होगा? तो इसका जवाब है कि वो किसी और चैनल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। यस गाइस, वो किसी और चैनल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। अब गाइस, डिजीमोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिजीमोन मार्वल एचक्यू में आएगा, और जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि हाँ डिजीमोन को आना तो है समर वेकेशन में, पर कब तक, क्या वो सीरीज़ पूरी कर पाएंगे? तो डिजीमोन आएगा, सीरीज़ भी पूरी हो पाएगी, और अगर नहीं पूरी हो पाती तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो गाइस, ये एक छोटी सी न्यूज़ थी,
पर काफी धमाकेदार थी। अब इसके बाद बात कर लेते क्या बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन को स्टॉप कर दिए गए। गाइज ये आखिरी टॉपिक है और इसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। तो गाइज सिंपल सा अगर मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करूँ तो मेरे हिसाब से अभी आंसर ना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और हाँ इसका रीब्रांडिंग से लेना देना है, पर डिज्नी XD वाले कभी भी किसी भी चीज़ को स्टॉप नहीं करते रहे। अगर वो स्टॉप करते हैं तो वो एक ऑफिशियल कंफर्मेशन देते हैं। देखिए गाइज अब मैं बात करना चाहूँगा कि क्या बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन स्टॉप हुआ, तो अभी मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं है और ना ही ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ निकाली गई है इसके बारे में। तो गाइज मेरा तो जवाब, अगर आप मेरा जवाब सुनना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा गाइज कि नहीं, अभी भी आएगा डिज्नी XD पे आएगा बर्स्ट एवोल्यूशन। खैर अब मार्वल HQ बोलेंगे तो अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और मुझे लगता है कि बेब्लेड बर्स्ट एवोल्यूशन आएगा। वो थोड़े से पार्ट दिखा के बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये छोटी सी न्यूज़ मेरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर गाइज सीरियसली गाइज अगर आपको ये न्यूज़ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी भी एंगल से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज़ इसे लाइक दे देना गाइज, और नीचे कमेंट कर देना कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो गाइज प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बी हैप्पी गाइज।